Okay, for sure, both are looking very, very pretty and gorgeous. And fit, सबसे ज्यादा जरूरी. Always. So fit की बात करें तो यास्मिन मैम यहाँ पर है तो fit की बातें तो होगी यहाँ पर. मैं आज आप support भी करने आए हैं मैम को. So उसके बारे में पहले जानना चाहेंगे कि क्या है जो आपके जो initiative है पिलाटेस को लेकर. तो ये पिलाटेस फेस्टिवल इंडिया है जो मैंने 3 साल पहले शुरू किया था. ये 3रा साल चल रहा है. एंड जैसे योगा फेस्टिवल्स होते हैं, अभी पिलाटेस की चर्चा हो रही है, लोगों को और अवेयरनेस हो रही है पिलाटेस के बारे में. तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग पिलाटेस फेस्टिवल करें जो 3 रात बॉम्बे से दूर एक अलग अलग जगहों में मैं करती हूँ. सो दैट यू नो पीपल इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ इंडिया. तो दिस ईयर इट्स इन केरला. एंड मैं बाहर से इंस्ट्रक्टर्स को इनवाइट करती हूँ जो मेरे मास्टर इंस्ट्रक्टर्स हैं जिससे मैं सीखती हूँ. और वो लोग आके हम लोग सब पिलाटस क्लासेस लेते हैं और ये ट्राई करते हैं कि अलग अलग टाइप्स की क्लासेस ले जो हम लोग हमारी जिम में करते हैं. वो अभी पब्लिक के लिए हम लोग यू नो ओपन कर रहे हैं. एंड सो इट्स द प्लेलिस्ट इज के सुबह में 7:30 बजे की एक क्लास होगी जो बीच पे होगी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर दूसरी क्लास के लिए लोग जाएंगे, फिर लंच के बाद आफ्टरनून्स में हम लोग ब्रेक रखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, बीच वॉलीबॉल, बीच क्रिकेट, या तो जो इंस्ट्रक्टर्स आते हैं. तो पिलाटेस फेस्टिवल में जो ब्यूटी है जो मैं सोफ़ी और मैं डिस्कस कर रहे थे कि जिन्होंने कभी पिलाटेस नहीं किया है और जो पिलाटेस सिखाते हैं इंस्ट्रक्टर्स सबके लिए है. तो हम लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन पिलाटेस. सो इट्स बेसिकली फॉर एवरीवन. तो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके लिए दोपहर को हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस रखते हैं जहाँ ये मास्टर इंस्ट्रक्टर्स वर्कशॉप करते हैं जहाँ हमारे इंडियन इंस्ट्रक्टर्स भी सीख सकते हैं विदाउट हैविंग टू ट्रैवल अब्रॉड. एंड देन ऑफकोर्स इन द इवनिंग हाई टी होती है, एक दूसरी क्लास होती है. एंड देन वी ट्राई टू हैव एन एंटरटेनमेंट एवरी नाइट. सो वी हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट हू इज कमिंग एंड स्पीकिंग अबाउट फूड वन नाइट. द सेकेंड नाइट वी हैव अ म्यूजिकल इवनिंग. सो वी हैव पीपल कमिंग टू सिंग. एंड द थर्ड नाइट वी हैव एन अवार्ड सेरेमनी. सो यू नो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अवार्ड दैट वी वांट टू गिव आउट टू पीपल हू पार्टिसिपेटेड इन दिस. वी हैव अबाउट 100 साइन अप्स दिस ईयर. So it's like a proper award ceremony, you know, where we'll give them awards and we have a mentalist who's coming and doing tricks as well. So that's another thing. Okay, so what do you like to say about the new initiative taken by एक्चुअली मैं सब जानते हैं मैं पिलाटेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं यास्मिन के साथ कुछ 7 सालों से कर रही हूँ. लेकिन पिलाटेस मेरी मम्मी करते थे लंदन में कुछ 30 साल पहले, तो मुझे उसके बारे में काफ़ी बचपन से ही नॉलेज है. इट्स रियली चेंज माई लाइफ. इट्स मेड मी फिटर देन आई हैव एवर बीन. इट्स मेड मी हेल्दियर. इट्स मेड मी सो मच मोर अवेयर ऑफ माई बॉडी. तो यास जो ये फेस्टिवल कर रही है पिछले 3 साल से, आई लव द इनिशिएटिव क्योंकि हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है. लोगों की क्यूरियोसिटी भी है, नॉलेज भी वो करना चाहते हैं. और जैसे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी पिलाटेस नहीं किया वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और जो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है, मेरे लेवल के भी हैं, मुझसे आगे लेवल भी हैं, वो भी जा सकते हैं. सो इट्स समथिंग टू लर्न एंड आई थिंक लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स जस्ट लाइक दैट मिनी गेट अवे, दैट 3 डेज जैसे लोग डिटॉक्स करते हैं. इट्स लिटरली दैट. इट्स 3 डेज ऑफ जस्ट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, नेटवर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, लर्निंग अ लॉट. तो मुझे उसका आइडिया बहुत पसंद है. तो आई एम हियर ऑफ कोर्स सपोर्ट हर एज ऑलवेज, जस्ट लाइक शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई वर्क. चाहे वो मेरे वर्कआउट्स हों, चाहे वो मेरा शो हो वर्क इट अप, हर चीज़ में यास ने मुझे सपोर्ट किया. तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट हर बिकॉज आई रियली बिलीव फिटनेस इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ. और इनका जो ये आइडिया है ये बहुत एक्साइटिंग है, और ख़ास तौर से क्योंकि ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स आते हैं अब्रॉड के जो बहुत ही बड़े नाम हैं. आई मीन दे आर सो वेल नोन. इफ़ यू आर इनटू पिलाटेस इट्स इनक्रेडिबल कि वो आ रहे हैं. लाइक द सियाम मार्श हू इज कमिंग एंड मेनी अदर्स जो आते हैं. एंड दिस ईयर दैट्स सो एक्साइटिंग. सो मच टू लर्न फ्रॉम देम. दीज आर पीपल दैट बोथ ऑफ अस हैव बीन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, इवन बिफोर आई इवन न्यू देम. एंड वी वर वेरी इंट्रीग्ड बाय देम एंड यू नो फैसिनेटेड. एंड नाउ दे कम एंड वी गेट टू मीट देम. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग. बेसिकली वो कहना चाह रही हैं कि हम उनको इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते थे और अब हम असलियत में उनको स्टॉक कर रहे हैं. बेसिकली
भी देख पाएंगे क्योंकि मैम ने कहा कि कॉन्सर्ट भी है और 3 दिन का है और सेलिब्रिटीज भी बहुत आने वाले हैं, सो वी विल बी एबल टू सी यू ओवर देयर आल्सो. या डेफिनेटली, आई डेफिनेटली वांट टू गो. आई डोंट नो इफ आई कैन डू ऑल 3 डेज, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी, एक दिन के लिए तो जाऊंगी, बिकॉज़ आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल, टू लर्न, और अपनी बॉडी को चैलेंज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सब बहुत कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और फिर हम कहते हैं हाँ बस फिट हो गया, लेकिन फिटनेस एक जर्नी है और एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो बस चलती जानी चाहिए. सो I'm really excited to even go if it's even for a day, which I've promised her. Yeah. Main zarur jaungi. Okay, lastly, 2020 chalu ho chuka hai. So any fitness tip you'd like to give to all the fans who are great fan of yours? I always tell people be fit because you deserve it. You need to do it for your own body, for your own self, and you know, being fit just makes you feel so great about yourself, and it's a happiness quotient. You know, it's de-stressing. Or agar aap apni fitness pe work karoge, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे. और जैसे मैं रोज़ हर टाइम लोगों को बोलती हूँ, जो कल करो सो आज करो, जो आज करो सो एंड लाइक सोफिया एंड आई हैव जस्ट मेड अ न्यू हैशटैग फॉर आवरसेल्फ, पिलाटस एडिक्ट, पिलाटस एडिक्ट. टिप्स मेरी तरफ से, मेरा एक्चुअली ये मानना है, मैं एक्सट्रीम डाइटिंग में या एक्सट्रीम वर्कआउट्स में नहीं बिलीव करती हूँ. मेरा मोटो है ज़िंदगी का कंसिस्टेंसी. फिटनेस आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए. इट्स समथिंग यू शुड एंजॉय, इट्स समथिंग दैट शुड कम नेचुरली, और फिर वो आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा, वो चोर भी नहीं होगा, और आप मिस आउट भी नहीं करोगे. ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 दिन बहुत वर्कआउट किए फिर 2 हफ्ते छुट्टी ले ली, बिकॉज उससे आपका कुछ नहीं होगा. इट्स बेटर टू डू लिटिल एवरी डे, वेदर इट्स डांस, स्विमिंग, पिलाटेस, योगा, वट एवर यू लाइक, फाइंड समथिंग यू लाइक, स्टिक टू इट एंड मेक इट part of your life. Yeah, the most important thing that she said is you need to like what you're doing. Yeah. You know, don't do it because somebody else is doing it or you've heard something about it. If you like something, it will become your lifestyle and it will make you happy. Okay, Yasmin, we always heard that you don't believe in diet, like I don't believe in diets. Yeah. I don't like the word diet because it feels that you're restricting yourself. I believe in having a good eating plan. And you know, we're constantly discussing, we make changes in our eating plans, but basically we stick to the same kind of eating where you eat a lot of vegetables, you know, you eat your protein, you have good fat. It's not ki hum log fat nahi khate, but hum log good fat khate, nuts have good fat, you know, coconut oil is good fat. So we do a lot of healthy eating. Aur abhi gaadi mein hum dark chocolate kha ke aa rahe hain. Yes. Just to let you all know, we're normal people. 85% dark chocolate, lekin hum kha ke aa rahe hain. Yes. And you know, so it's, you have to make it your lifestyle. Kyunki jo aapki lifestyle banegi, that is going to continue for the rest of your life. You know, diets are very short. Diet pe log rehte hain, sochte hain, yaar, abhi ye kabhi kha sakti hoon, ye kabhi kha sakta hoon, you know. So you're always, you're curbing yourself and you want to eat what you're curbing yourself from. Actually, I put on more weight. जब मैं कोई मुझे कहता है डाइट, सो इफ यू नेवर गो ऑन अ डाइट, नो इफ आई गो ऑन अ डाइट, इफ आई हैव ट्राइड गोइंग ऑन अ डाइट, देन आई हैव एक्चुअली पुट ऑन मोर वेट, बिकॉज़ पूरा वक्त मैं यही सोचती रहती हूँ कि अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, अब ज्यादा भूख लग रही है, ओ वो मैं नहीं खा सकती, अब बहुत दिल कर रहा है वो खाने को. इट्स जस्ट अ मेंटल थिंग एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी बिलीव मोर इन अ हेल्थी ईटिंग लाइफस्टाइल देन अ डाइट. आई डोंट बिलीव डाइट्स वर्क, क्योंकि यू कैन डाइट फॉर अ वीक, अ मंथ, 2 months. And like everybody's doing keto or whatever they're doing, you know, the minute they stop, sabka weight wapas aa jata hai, phir unko wapas us pe jana padta hai aur wo ek vicious circle ban jata hai. So I don't believe in that. I think you have to find what's right for you. Hum sabko pata hai what is the right choice, what is the wrong choice. Hum sabko pata hai hame kya khana chahiye, nahi khana chahiye. It's just about training your mind to do that and to balance it out. That's it. Thank you. You're welcome.